गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी सृष्टि पाठमाला का हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पहला पार्ट, नन्ना मुन्ना राही। यह एक कविता है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जो नन्ना बच्चा है, नन्हा बालक है, वह इस भारत देश का सिपाही बनना चाहता है और फिर यह बोल रहा है कि अब सभी लोग मेरे साथ में मिलकर इस भारत देश की जय हिंद बोले। फिर वह हमें यह समझा रहा है कि मैं अपनी मंजिल या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उस पर मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ूंगा और उस रास्ते पर चलते समय मुझे जिन भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उन मुश्किलों का सामना मैं हंसते हुए करूंगा, कभी भी उन मुश्किलों से डरूंगा नहीं। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम। फिर वह बच्चा ये बोल रहा है कि जब तक मुझे मेरी मंजिल ना मिल जाए मैं आराम नहीं करूँगा, कि मुझे पहले अच्छे से काम करना है, अपनी मंजिल अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके बाद में ही जीवन में मुझे आराम करना है और इसी तरह मैं हमेशा आगे ही आगे बढ़ूँगा, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। फिर वापस से वह बच्चा यही बोल रहा है कि मैं इस भारत देश का सिपाही हूँ, रास्ते पर चलने वाला एक राही हूँ, आप सभी मेरे साथ में मिलकर इस भारत देश की जय हिंद बोले। फिर वह हमें ये बता रहा है कि जिस तरह से एक किसान खेत में काम करता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश, हर मौसम में वह काम करता है, अपना पसीना बहाता है, वह जब कड़ी मेहनत करता है तभी उसके शरीर में से पसीना बाहर निकलता है और उसी मेहनत का फल उसे मिलता है जब उसके खेतों में अच्छी और हरी भरी फसल लहराती है। तो हमें भी उसके समान, उस किसान के समान कड़ी मेहनत करनी है, अपने शरीर का जो पसीना है उसे बाहर निकालना है और अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करना है। फिर वह बच्चा यह बोल रहा है कि ये जो हमारी धरती है, भारत देश की जो धरती है, जन्मभूमि है, इस पर मैं किसी भी पापी को जन्म लेने नहीं दूंगा, क्योंकि जो पापी लोग होते हैं वे क्या करते हैं, दुनिया में अत्याचार फैलाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह चाहता है कि मैं सिपाही बनूं और ऐसे अत्याचार करने वाले पापी को इस देश में जन्म ना लेने दूं। और फिर वह वही कि आप वापस से कह रहा है कि मैं हमेशा आगे ही आगे बढ़ूंगा और आप सभी लोग भी मेरे साथ में मिलकर इस भारत देश की, इस महान देश की जय हिंद बोले। फिर वह नन्हा सिपाही हमें ये समझा रहा है कि जो ये हमारा जमाना है, जो ये हमारी दुनिया है, वह हमेशा बदलती रहती है, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। जिस तरह कभी बारिश का मौसम आता है, कभी सर्दी का आता है, कभी गर्मी का, उसी तरह हमारा देश भी बदलता रहता है, कुछ ना कुछ नया आता है। और वह भी यही चाहता है कि जिस तरह से दूसरे देशों में मशीनों के द्वारा काम होता है और जब भी हम कोई काम मशीनों के द्वारा करते हैं तो हमारा वह काम जल्दी और आसानी से पूरा हो जाता है, तो वह बच्चा यही बोल रहा है कि मैं अपने भारत देश को भी दूसरे देशों के बराबर बनाना चाहता हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरा भारत देश दूसरे देशों से पीछे रहे।
उन दूसरे देशों के बराबर उसे मैं आगे सफलता तक ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि मेरा भारत देश भी एक मशीनों का नगर बने और पूरी दुनिया में सबसे आगे मेरा भारत देश बढ़े। इसीलिए वह कह रहा है कि मैं अपने जो कदम है, जो जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, उसी पर मैं हमेशा आगे बढ़ूंगा, जीवन में हमेशा आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करूंगा, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। फिर वही बच्चा हमें एक बार वापस से बोल रहा है कि मैं इस भारत देश का सिपाही हूँ और आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर इस भारत देश की जय हिंद बोले। फिर वह नन्हा सिपाही हमें समझा रहा है कि जो मेरा यह वतन है, जो ये मेरा भारत देश है, मैं यह चाहता हूँ कि इस देश में शांति बनी रहे, सभी लोग शांति से रहे, कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, या कोई भी जाति का हो, कोई भी वेशभूषा का हो, लेकिन हमेशा आपस में मिलजुल कर रहे, दूसरों से नफरत ना करें। और वह यह भी चाहता है कि मैं इस भारत देश में रहने वाले लोगों को हमेशा प्यार का, प्रेम का, भाईचारे का पाठ सिखाना चाहता हूँ, कि हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, जिससे हमारा देश विकास करेगा और हमेशा आगे बढ़ेगा। मैं इस दुनिया में कहीं भी कोई भी बुराई का बम नहीं गिरने देना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे, आगे बढ़े और हमारे भारत देश का अच्छे से विकास करें। फिर से वह नन्हा बच्चा यह कह रहा है कि मैं इस भारत देश का सिपाही हूँ और आप सभी लोग मेरे साथ में मिलकर जय हिंद बोले। तो बच्चों, इस कविता में जो एक भारत देश के सिपाही हैं, तो उसी में एक छोटा बच्चा है, वह भी यही चाहता है कि मैं भी भारत देश का सिपाही बनूं। और जिस तरह से सभी सिपाही अपने देश की रक्षा करते हैं, देश की महानता को बनाए रखते हैं, उसी तरह मैं भी अपने जीवन में इस भारत देश का सिपाही बनकर मुश्किल भरे रास्तों पर चलकर हमेशा आगे ही आगे बढ़ता जाऊं और अपने भारत देश की महानता को बढ़ाऊं और कभी भी किसी में भी कोई अत्याचार ना हो, ना कोई आपस में लड़े, ना कोई झगड़ा करे, सभी आपस में मिलजुल कर शांति, प्रेम और भाईचारे की भावना से रहे। बच्चों, मैंने ये कविता आपको समझाई हूँ और अगर आपको यह कविता सुननी है तो आप YouTube पे जाकर सर्च करिए नन्ना मुन्ना राय हूँ, तो आप उस कविता, वो कविता आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यह एक बहुत ही देश प्रेम की भावना वाली कविता है और आप इस कविता को 2-3 बार सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। धन्यवाद।